दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम्हें घर गृहस्थी अलग बसाने की जल्दी है क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मीरा शर्माई सकुशाई से पास पड़ोस की औरतें के बीच गिरी बैठी थी। मीरा का ससुराल में तीसरा दिन था। आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी। जो भी महिला उसका सेहरा देखती आशीर्वाद के साथ उसकी तारीफ करते ना थकती। वाह पुष्पा, दुल्हन तो तू बिल्कुल सांद का टुकड़ा लाई है। रंग गहुआ है लेकिन नाक नक्श देखो तो कितनी तीखी है और उस पर बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। पड़ोस में रहने वाली सरला दादी ने मीरा की भलाइयां लेते हुए कहा, अपनी तारीफ सुनी। मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और सरला दादी के पांव दबाने लगी। अरे नहीं बहू, ऐसे तू आज सबके पैर दबाएगी तो तेरी कमर ही टूट जाएगी। अरे हम तो यही पास के मोहल्ले में रहते हैं, करती रहना बाद में हमारी सेवा पानी। अभी तो एक दो दिन तो तू अपनी सास ननद से सेवा करवा। हाँ हाँ दादी, तो हम कब अपनी भाभी की सेवा करने से मना कर रहे हैं? यही तो दो चार दिन होते हैं लाड़ साव के। अभी एक हफ्ता रुक कर मैं भाभी की सेवा करूंगी और फिर बाद में सारी उम्र इनसे सेवा लूंगी। मीरा की ननद रेनू हंसते हुए बोली। उसकी बात सुन सभी औरतें हंसने लगी। हाँ हाँ करो भाई सेवा पानी, छोटी बहू तो सबकी लाडली होती ही है। हमारी तो यहाँ एक दिन भी किसी ने सेवा ना की, आते ही मशीन की तरह काम में लगा दिया। रेनू की बड़ी भाभी नीलम ताना मारते हुए बोली, मेहमानों और मोहल्ले भर की औरतों के सामने अपनी भाभी की ऐसी झूठी बात सुन रेनू को बहुत गुस्सा आया। उसने जवाब देने के लिए जैसे ही मुंह खोलना साहा, उसके मम्मी ने इशारे से उसे मना कर दिया। रेनू भी कह सुन माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे आस पड़ोस में सभी नीलम के स्वभाव के बारे में जानते थे, इसलिए उसकी बातों को अनसुना कर सभी दूसरी बातों में लग गई। वाह पुष्पा, बहू तो सभी के बढ़िया कपड़े लेकर आई है। देख तो तेरी साड़ी रंग भी कितना अच्छा है। एक पड़ोसन कपड़ों की तारीफ करते हुए बोली। सासी, देखने में तो सभी अच्छे लगते हैं लेकिन पहनने के बाद इनकी असलियत पता चलेगी। नीलम फिर से बात मारते हुए बोली, मीरा को अपनी जेठानी की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। अभी उसे इस घर में आए
ही हुए हैं, उसकी जेठानी से ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, फिर क्यों वह उसे निशा दिखाने पर तुली है? सोच सोच कर मीरा का दिल घबरा रहा था। रेनू ने उसका उतरा हुआ सहरा देखा तो उसके पास आकर धीरे से बोली, भाभी बड़ी भाभी की बातों को दिल पर मत लो, अरे उनकी आदत है ऐसे बोलने की, हम क्या रिश्तेदारों से लेकर आस पड़ोस वाले भी इस बात को जानते हैं। मीरा रेनू की बात सुन मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। रिश्तेदार व आस पड़ोस वाले हर सामान की तारीफ करते, लेकिन नीलम उसमें मीन मेक निकाल देती। मीरा की ननद सब कुछ देख सुन रही थी, अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। 5 साल हुए थे उसके बड़े भाई की शादी को। मम्मी पापा सहित रेनू और उसका छोटा भाई सब खुश थे। बड़े भैया की शादी और नई दुल्हन के आने को लेकर सबसे ज्यादा खुश तो रेनू थी। सलो भाभी आएगी तो उसके साथ खूब मन की बातें करेंगे, घूमने जाएंगे और बनाएंगे खाएंगे, लेकिन जैसा सब ने सोचा था वैसा कुछ ना हुआ। बड़ी भाभी यानी नीलम स्वभाव की बड़ी तेज थी, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेती। घर के काम काजों से तो उसका दूर दूर तक नाता ना था। और फिर रेनू की शादी के खर्च को लेकर तो उसने इतना कलम मसा दिया कि पूछो मत। उसकी शादी से कुछ दिन पहले ही अलग होने की रट पकड़ ली। शादी वाले घर में माहौल खराब ना हो इसलिए रेनू के मम्मी पापा ने अपने बड़े बेटे को इसके लिए राजी कर लिया और नीलम उसी मकान में ऊपर रहने लगी। लेकिन अलग रहने के बाद भी उसे सहन ना था। कोई दिन ऐसा ना जाता जब वह अपनी सास से किसी बात पर झगड़ा ना करती हो, और अपने उसी स्वभाव के चलते आज अपनी नई नई देवरानी पर सिंटा कसी करने से बाज नहीं आ रही थी। अपनी बड़ी भाभी की फिर से कड़वी बातें सुन रेनू वर्तमान में लौटी। अरे देवरानी जी तो गैस सुल्ला भी नहीं लाई, बर्तन भी 2-4 ही दिख रहे हैं, बताओ मैं तो अपनी शादी में 251 बर्तन लेकर आई थी और गैस 16-20 बर्तन वाला। नीलम खुद की बड़ाई करते हुए बोली, हाँ भाभी आप बिल्कुल 251 बर्तन लेकर आई थी और 4 बर्नर वाला गैस सुल्ला, लेकिन जरा सबको ये तो बता दो उस 4
बर्नल वाले सुल्ले पर आपने घर के 4 सदस्यों को भी रोटी बनाकर खिलाई थी। कभी सलो रोटी तो सोड़ो, कभी वैसे ही ना सही बीमारी में ही चाय पिलाई थी उस पर बना। याद करो तो जरा, वैसे मुझे लगता है आपकी देवरानी को आते ही आपकी तरह अपनी अलग गृहस्थी बसाने की जल्दी नहीं, इसलिए शायद वह गैस चूल्हा और बर्तन नहीं लेकर आई। मैं सही कह रही हूँ ना मीरा भाभी? रेनु मीरा की ओर प्रसन्न भरी नजरों से देख मुस्कुराते हुए बोली। अपनी ननद की समझदारी भरी बात सुन मीरा की आंखें भर आई और वह सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, दीदी मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये समझा कर विदा किया था कि सास ससुर ही अब तुम्हारे माता पिता हैं और वही तुम्हारा असली घर। दीदी अपने मम्मी पापा से कोई अलग होता है क्या? अब यही मेरा घर है, आपके विश्वास को मैं हमेशा बनाए रखूंगी। बस बहू तुम सदा ऐसे ही बनी रहना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने माता पिता का मान बनाए रखना। आस पड़ोस की है बुजुर्ग महिलाएं मीरा की बात सुन खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, नीलम की बातें उस पर ही उल्टी पड़ गई। अब उसका वहां बैठना और सब से नजरें मिलाना दुबर हो रहा था। वह सब से नजर बसा जल्दी से वहां से खिसक गई। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि नई नवेली दुल्हन को आए 2 दिन भी नहीं होते कि कभी पास पड़ोस वाले और कभी घर वाले ही उसके दान दहेज की चीजों को लेकर सिंटा कसी करना शुरू कर देते हैं। एक लड़की कितने अरमान लेकर अपनी ससुराल आती है, लेकिन जब उसका ऐसी बातों से सामना होता है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। ऐसे में अगर घर के बड़े या छोटे अपनी समझदारी से वही उन बातों को रोक दे तो आगे तक रिश्ते मधुर बने रहते हैं, जैसे मीरा की ननद ने किया।